हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। गद्य खंड का ये पहला लेसन है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है दो पैराग्राफ मित्रता लेसन का। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसीलिए जो है आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। आज मैं आपको इस लेसन का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाऊँगी, तो चलिए जानते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहता है। इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहता है कि यदि मुझे विश्वास पात्र अच्छा मित्र मिल गया है तो वो मित्र हमेशा हमें कठिनाइयों से दूर रखेगा, हमेशा वो हमारी रक्षा करता रहेगा। यदि ऐसा मित्र किसी को मिल जाए तो ऐसा मान लेना चाहिए कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। इसे जो खजाना होता है, जो सोना चांदी जो अमूल्य वस्तु है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो वैसे ही जिस तरह हम उस सोने और चांदी को बहुमूल्य मानकर उसकी अच्छे से उसे संजो कर रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मित्र को संजो के रखना चाहिए, अच्छे मित्र को। तो चलिए आगे देखते हैं। एक प्राचीन विद्वान का कथन है या वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से हम बड़ी भारी रक्षा रहती है। जो प्राचीन विद्वान है उन्होंने कहा था कि जो हमारे विश्वास पात्र जो अच्छे मित्र होते हैं उनसे हमारी बहुत रक्षा होती है, वो हमें हमेशा कठिनाइयों से दूर रखते हैं, हमेशा हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। लेखक कहता है कि यदि ऐसा मित्र विश्वास पात्र मिल जाए जिसको, उसे समझना चाहिए कि मुझे खजाना मिल गया है, ऐसा अमूल्य खजाना जिसकी कोई कीमत नहीं है। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेखक ये भी कहता है कि विश्वास जो अच्छे मित्र होते हैं, विश्वासपात्र मित्र होते हैं, वो एक औषधि के समान होते हैं। जैसे बीमारी, हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं, तो वो दवा वही औषधि हमारे रोग को दूर करती है। तो वैसे ही हमें कोई कठिनाई होती है या किसी परेशानी में हम पड़ते हैं तो वो औषधि का काम करता है। मित्र कहने का मतलब वो ये है कि वो हमें अच्छी बुद्धि देता है, हमें समझाता है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में जाएंगे तो मुझे धैर्य धारण कराएंगे, जो है दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यदि मेरे अंदर कोई दोष है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, जो भी त्रुटियां हैं, यदि मुझसे कोई गलती होती है तो वो हमेशा हमें बचाएंगे। हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे और हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलने को कहेंगे, सत्य बोलने को कहेंगे। हमारे अंदर अच्छे आचरण आए इसके लिए वो कोशिश करेंगे। हमें हर कुमार्ग पर पैर रखने के लिए सचेत करेंगे, वे हमें हर कठिनाइयों से बचाएंगे भी, हर गलत काम करने पर वो रोकेंगे हमें। हमें अच्छे काम के लिए हतोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए वो मुझे प्रोत्साहित भी करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमें हमेशा अच्छा जीवन निर्वाह करने की हमेशा सहायता करेंगे और अच्छी सलाह देंगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है चौथा पैराग्राफ पढ़ाऊँगी।